जिले में सफाई कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शहर के वार्डों की सफाई का बुरा हाल होने लगा है। साथ ही घरों के कचरा और गलियों में सफाई नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर सफाई कर्मचारियों ने कहा कि अगर सफाई कर्मियों का नियमितीकरण नहीं हुआ तो चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें सफाई कर्मचारी को अब अन्य सरकारी कर्मचारियों के तरह अनुकंपा नियुक्ति सहित रिटायरमेंट का लाभ भी दिया जाएगा, साथ ही सैलरी में वृद्धि भी की जाएगी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने यह फैसला हाल ही में हुए बैठक में लिया है। इसी खबर से छत्तीसगढ़ में सफाई कर्मचारी की आस फिर जगी है और आज से पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारी रैली निकालकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल दोनों ही प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, समय समय में सफाई कर्मचारी इसकी मांग उठाते भी रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की साय सरकार क्या फैसला लेती है। रैली इसलिए निकाला गया है जी कि हम लोग का पेमेंट भी नहीं दिया गया है, और दूसरी बात जो हम लोग को परमानेंट भी नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे एमपी में ये आदेश दिया गया है कि सबको परमानेंट किया जाए, हर शहर में ये होना चाहिए। सभी तो कर्मचारी हैं, कोई ऐसे नहीं कि एमपी में दूसरे कर्मचारी है, हमारे छत्तीसगढ़ में दूसरे कर्मचारी है। हमारे भी यहाँ के कर्मचारी 20 साल 25 साल 30 साल हो गया ठेका में काम कर रहे हैं, फिर ले दे के केस लड़के मास्टर रोल में आए हैं। हमको ऐसा शोषण हमारे साथ ही छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के साथ में क्यों किया जाता है। हम लोग रैली इसलिए निकाले हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा पेमेंट का। हर बार जब तक मांगने नहीं आएंगे, अपना अधिकार के लिए पेमेंट नहीं मांगेंगे, तब तक हमको पेमेंट दिया नहीं जाता। 2 महीना 3 महीना के बाद एक बार हमको पेमेंट दिया जाता है, इसलिए हमारे बाल बच्चों का फीस पटाया नहीं जा नहीं दे सकते, ना क्या बोलते हैं कुछ बस्ता उस्ता नहीं खरीद सकते, पट्टी बस्ता नहीं खरीद सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, ट्यूशन फीस दे नहीं सकते। इस समय में एक पेमेंट दे दिए, दो लोन कट गया, किसी को 500 किसी को 600 पेमेंट मिला। सब कर्मचारी एकदम दुखी हैं। अभी 19 तारीख को हमारे यहाँ राखी है, राखी के पर्व पर हमको तनख्वाह नहीं दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे बाल बच्चे लोग कहाँ जाएंगे। जब तक हम लोग आयुक्त साहब के पास कटोरा लेके भीख मांगने नहीं जाते, तब तक हमको यहाँ भीख नहीं मिलता। हमारे अधिकार के लिए हम ही को लड़ना पड़ता है। जब भी आयुक्त साहब के साथ मिलने जाते हैं, आयुक्त साहब हमसे मिलते भी नहीं है, नहीं मिलते हैं भी। हम लोगों ने अधिकारी नेता सभी के पास गया, हम लोग हमेशा भीख मांगना पड़ता है, जबकि हम लोग अपनी हक की लड़ाई का वेतन मांगते हैं, उसके बाद भी आयुक्त मना कर देते हैं कि पैसा नहीं है, ये नहीं है। इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे सफाई कर्मचारियों ने ठान लिया है चुनाव बहिष्कार करने का। एक एक सदस्य, एक एक परिवार का सदस्य और पूरे छत्तीसगढ़ सफाई कर्मचारी यूनियन के कोई भी सदस्य वोट नहीं करेगा।